नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ड्रोन से पता चलेगा प्रदूषण का कारण, हॉटस्पॉट्स में निगरानी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू। राजधानी के हॉटस्पॉट जोन में प्रदूषण के कारकों की पहचान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली सरकार ने ड्रोन से मॉनिटरिंग कराई है। ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई से 200 मीटर की परिधि में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की जानकारी पर्यावरण विभाग और DPCC को देगा। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। प्रदूषण के कारकों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए शुक्रवार से सर्वे ऑफ इंडिया के एक सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा वजीरपुर हॉटस्पॉट पर ड्रोन मैपिंग की गई। उसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी की आधुनिकीकरण का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर प्रदूषण को दूर करने में किया जाएगा। पर्यावरण और DPCC के इंजीनियर इसका विश्लेषण कर रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो अन्य हॉटस्पॉट पर भी इसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 21 फोकस पॉइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इसके तहत प्रमुख पहलुओं में से एक ड्रोन तकनीक का उपयोग कर हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की निगरानी करना। उन्होंने कहा कि पहली बार इन हॉटस्पॉट पर पर्यावरण विभाग द्वारा ड्रोन से प्रदूषण की निगरानी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन मैपिंग की डेमोंस्ट्रेशन की गई। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वायु प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने में ड्रोन मैपिंग तकनीक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सेंसर से लैस ड्रोन भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक और उन क्षेत्रों तक पहुँचने में सक्षम है जहाँ पारंपरिक तरीकों से निगरानी करना मुश्किल है। ड्रोन की तैनाती प्रदूषकों के फैलाव को बेहतर ढंग से समझने और नियमों का उल्लंघन करने वाले अनाधिकृत औद्योगिक संचालन या निर्माण स्थलों जैसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट की पहचान करने में सक्षम बनाती है। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ड्रोन से प्रदूषण के स्रोतों जैसे खुले में आग जलाने, अनियमित निर्माण गतिविधियों, यातायात जाम का तुरंत पता लगा सकते हैं। ऐसे में एजेंसी सुधारात्मक उपाय लागू कर सकती है। राय ने कहा कि 13 हॉटस्पॉट के लिए बने अलग अलग एक्शन प्लान के आधार पर काम किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 13 समन्वय टीम बनाई है। धूल प्रदूषण कम करने के लिए हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। साथ ही MCD के DC को भी सभी संबंधित अधिकारी के साथ हॉटस्पॉट का लगातार दौरा करने का निर्देश दिया गया है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।